दतिया पुलिस ने दो इनामी बाइक शूटरों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों पर कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीती 5 मई को हुई राजौरा के सरपंच रघुराज कमरिया की हत्या का आरोप भी इन्हीं बदमाशों पर था। दतिया पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि दोनों ही बाइक शूटर मयंक यादव और अनिल उर्फ नेता यादव को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही आरोपियों पर लगभग एक दर्जन से ज़्यादा जघन्य अपराध पंजीबद्ध हैं। आरोपियों ने 5 मई की रात्रि को आनंद यादव के साथ मिलकर ग्राम राजौरा के सरपंच रघुराज कमरिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि मृतक सरपंच रघुराज कमरिया से आरोपियों की पहले से रंजिश थी। आरोपियों ने दतिया जनपद अध्यक्ष रीता सतीश यादव के भतीजे की शादी के दौरान गायत्री मैरिज गार्डन के बाहर रघुराज कमरिया को गोली मारी थी। पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त CCTV फुटेज के माध्यम से की। दतिया SP मयंक अवस्थी ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। दतिया SP ने एक और फरार आरोपी आनंद यादव को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेने की बात कही है। राम कुमार पुत्र बाबूलाल कमरिया उम्र 60 वर्ष निवासी राजौरा थाना दूसरा ने अपनी शिकायत रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका लड़का रघुराज कमरिया उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम राजौरा गायत्री गार्डन में एक शादी समारोह में शरीक होने के लिए आ रहा था। तभी 3 लोगों ने जिसमें अनिल यादव आनंद यादव और मयंक यादव इन तीनों ने पूर्व की रंजिश पर से उसको घेरा और पेट में गोली मारी जिस पर से उसकी मृत्यु हो गई। उनकी रिपोर्ट पर से 302 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। दिनांक 10 मई 2018 को आरोपी मयंक पुत्र कोमल यादव उम्र 29 वर्ष निवासी बुंदेला कॉलोनी को जिला अस्पताल दतिया के पास से और आरोपी अनिल उर्फ नेता यादव पुत्र देवेंद्र सिंह यादव उम्र 26 वर्ष इनको होमगार्ड कार्यालय के पास से आज गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के ऊपर 10,000 रुपये का इनाम किया गया था। इनका पुलिस रिमांड लिया जाकर घटना में उपयुक्त कट्टा और मोटरसाइकिल जब्त करी जाएगी। CCTV से इनकी पहचान हुई है। प्रत्यक्ष दर्शियों ने भी इनको वहाँ पर देखा है। बाकी विवेचना में जो तथ्य आएंगे उस पर से कार्रवाई कर लिया। इनका पूर्व का विवाद था, करीब 10 वर्ष पहले से इनका विवाद चला आया है। इनका कहना है कि 10 वर्ष पूर्व भी रघुराज कमरिया ने इनकी पिटाई करी थी जिसके बाद से लगातार इनकी कुछ कुछ रंजिशें चलती आई हैं जिसको लेकर शादी समारोह में एक दूसरे को देखकर इनके बीच विवाद हुआ। फिलहाल ऐसा कोई एंगल नहीं आया है। अभी विवेचना के दौरान और पूछताछ करने पर रिमांड लिया जाकर पूछताछ करी जाएगी। यदि कोई एंगल आता है तो बताया जाए। जब्त करने के लिए रिमांड लिया जा रहा है हथियार और मोटरसाइकिल जब्त। अभी इसमें एक आरोपी और फरार है, जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, इन पे पहले से भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड अवेलेबल है। इसमें आनंद यादव पे इसके पूर्व में भी 2018 में 294-323 का रिकॉर्ड है और मयंक यादव पर पहले से 3 अपराध हैं और नेता यादव पर भी पहले से करीब 4 अपराध पंजीबद्ध हैं। न्यूज़ BK के लिए दतिया से रवि रायकवार की रिपोर्ट।